सब्सक्राइब कीजिए सिम्पसन्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन चंगेजी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन चंगेजी बनाना बहुत आसान होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे बनाने के दो स्टेप होते हैं, एक तो इसको मैरिनेट करना और दूसरा इसकी ग्रेवी बनाना। तो सबसे पहले हम इसके मैरिनेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून दही चाहिए हमें। दही को अच्छे से फेंट ले, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून पेस्ट ली है, आधा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और आधा हम ग्रेवी के लिए बचा के रखेंगे। सूखे मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। आधे नींबू का रस ले लेंगे और नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। तो देखिए, हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब चिकन में हम डालेंगे दही, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से बीट कर लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। दही डालने के बाद हम अब इसमें डालेंगे नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे यहीं पर। लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर हम ग्रेवी में भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे चिकन में भी डाल रहे हैं, जिसके वजह से कि चिकन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें आधी अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देनी है और आधी हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही हम डालेंगे नमक। नमक और मिर्च आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हमने मैरिनेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो देख लिए हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसको कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। 1 कप दूध चाहिए हमें। कुछ पाउडर मसाले चाहिए हमें, वो देख लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी लेंगे। कस्तूरी मेथी को हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इसके वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। गरम मसाला पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। हमने मैरिनेशन में 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रखा है, तो यहाँ पर हम बस 1/2 टीस्पून लेंगे। और 4 से 5 हरी मिर्च ले लेंगे, जिसको कि मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो ये हमने अब सूखे मसाले देख लिए हैं। फ्रेश क्रीम या तो फिर दूध की मलाई ले लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें। हमने चिकन मैरिनेट करते वक्त आधा इसमें से अदरक और लहसुन डाल दिया था। काजू चाहिए हमें, 15 से 20 काजू ले लेंगे। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे और हरा धनिया हमें चाहिए इसे गार्निश के लिए। तेल ले लेंगे इसे फ्राई करने के लिए। तो देखिए, हमने अपने सारे इन्ग्रीडियंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं चिकन चंगेजी बनाने की तरफ। 1/2 घंटा हो चुका है और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल दूँगी। बहुत ही थोड़ा तेल डालना है हमें इसमें। तेल को गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डायरेक्टली हमने जो चिकन लिया था मैरिनेट किया हुआ, वो डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है और हाई फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि हमारा जो दही का पानी निकला हुआ है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। देखिए, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। इसका अपना ही जो पानी निकलेगा वो हमें कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। तो इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जब तक कि हमारा चिकन हो रहा है तब तक कि हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी जो हमने काट के रखी थी। साथ ही हम इसमें डालेंगे काजू। काजू हमें यहीं पर डाल देने हैं ताकि काजू भी इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए और इसे हमें चलाते हुए तब तक के फ्राई करना है जब तक कि हमारा प्याज और काजू कलर चेंज नहीं कर लेते, हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज और काजू का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सेम प्लेट में निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे इसे और इसे अब हमें ठंडा करके एक मिक्सी में चला लेना है और इसकी बारीक फाइन पेस्ट बना लेनी है। प्याज और काजू की हमने फाइन पेस्ट बना ली है। अब सेम पैन में हमने तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट और इसको हमें चलाते हुए तब तक के फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट में अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर की पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब साथ ही हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे हमने जो पाउडर मसाले लिए थे, हरी मिर्च और कस्तूरी मेथी को छोड़ के हमें बाकी सारे मसाले इसमें डाल देने हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और अब हमें इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है, या तब तक फ्राई करना है जब तक के टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होकर पक नहीं जाता और ये तेल ना छोड़ने लगे। और इधर हमारा चिकन कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं कि चिकन ने सारा जो पानी रिलीज़ कर लिया था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, टमाटर और मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मसालों से हल्का सा तेल निकलने लगा है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे, सावा दूध इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे तब तक के पका लेंगे जब तक के ये अच्छे से पक नहीं जाता और ऑयल अच्छे से सरफेस पर नहीं आ जाता। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ही तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है। एक बार मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज और काजू का पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे 3 से 4 मिनट तक के लगातार चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें चिकन ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन भी इन मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। लेकिन कस्तूरी मेथी डालते वक्त एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि इसको हाथों से थोड़ा सा मसल कर डालेंगे, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये सारी कस्तूरी मेथी डाल देंगे यहाँ पे और इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने चिकन में पहले ही नमक डाल रखा था तो आप यहाँ पे केयरफुली ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें यहाँ पे उतना ही डालना है जितना कि हमारे चिकन टेंडर होने के लिए हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी। पानी डालने के बाद अब इसे एक उबाल आ चुका है। अब हम इसे एक लीड से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के अच्छे से पका लेना है, या तब तक के पकाना है जब तक के जो चिकन है अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। 10 से 15 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटा देंगे और एक बार चेक कर लेते हैं चिकन को। तो ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है, अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे इसे गार्निश के लिए और साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन चंगेजी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आज की हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप इसे रोटी, फुलका, चपाती या नान के साथ में खा सकते हैं। तो हमारा बहुत ही डिलीशियस चिकन चंगेजी बनकर तैयार है। इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।